और आप सोच भी नहीं सकते कि इतना लिखते ही आपका काम हो गया है, राइट ना? आपको तो मजा आता ही होगा कार बाइक ड्राइव करने में। प्यारे बच्चों, आप में से काफी लोग इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली समझना चाहते हैं, यानी कि इसकी डेरिवेशन को ग्राफिकली समझना चाहते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में ना सिर्फ हम कंसेप्ट की बात करेंगे, ना सिर्फ हम चीजों को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि इस वीडियो को देखते ही देखते आपको इसकी डेरिवेशन बिल्कुल 100% आपको याद हो जाने वाला है। ये बात तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। बस पेशेंसफुली इस वीडियो को वॉच कर लीजिए। जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा उसको तो आप यूं ही एंजॉय करोगे, और जो मेन डेरिवेशन वाला पार्ट होगा वो हार्डली 1 से 1.5 मिनट का होने वाला है। बिल्कुल आसानी से आपको बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए कंसेप्ट की बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली समझना चाहते हो तो उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, और अगर इनकेस आप अलजेब्रा के हेल्प से डेराइव करना चाहते हो तो उस पे भी बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है। आप चाहो तो उसे जाकर के विजिट कर सकते हो, या तो चैनल पेज पे जाकर के सर्च आउट कर लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद मैं वहां प्रोवाइड कर दूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के पीछे कंसेप्ट क्या है, और फिर उसकी डेरिवेशन हम समझेंगे। देखो प्यारे बच्चों, इस लेंथ को सबसे पहले आप ये कंसीडर कर लो कि इस कार को आप ड्राइव कर रहे हो, राइट ना? आपको तो मजा आता ही होगा कार बाइक ड्राइव करने में। तो इस कार को मान लो आप ड्राइव कर रहे हो, राइट ना? ओके, अब ये जो लेंथ है ये हमारा लेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, यानी कि इस एरिया को, ये लेंथ को मैं ऑब्जर्व करने वाला हूं। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं, समझ लो आप, आपने इस कार को ड्राइव किया, जैसे ही ये कार इस पॉइंट को टच किया उस समय जो कुछ भी आपकी कार की जो वेलोसिटी होगी उसे हम कंसीडर करेंगे स्मॉल यू, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। उसी चीज को ग्राफिकली मैंने यहां ऑलरेडी शो कर रखा है। बच्चों, ये है वेलोसिटी एक्सिस और ये है टाइम एक्सिस। इसे आप लिख लेना, यहां वेलोसिटी, यहां टाइम लिख लेना और यहां वेलोसिटी लिख लेना। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, राइट ना? इस चीज को फिर से मैं बोल दूं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और यहां जो कुछ भी मैं समझाने जा रहा हूं उसी चीज को ग्राफिकली मैंने रिप्रेजेंट किया है, यानी कि ग्राफ को और ज्यादा डेप्थ में जाकर के आप समझ पाओगे, क्योंकि मैं चीजों को प्रैक्टिकली बता रहा हूं। अब बच्चों, इस चीज को देखो, जैसे ही कार यहां से निकलती है और इस पॉइंट को टच करती है वो कहलाएंगे फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल वी से, और ग्राफिकली मैंने यहां शो कर रखा है। बच्चों, ये कार यहां से यहां आने में, यानी कि ये जो लेंथ है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, जिसे हमने स्मॉल एस कंसीडर किया है, राइट? और कार को यहां से यहां आने में जो समय लगता है उसे हम कंसीडर करते हैं स्मॉल टी, जिसे ग्राफ में यहां दिखाया गया है, और ऐसा कुछ हो पाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कारण, जिसे हम ए कंसीडर कर लेते हैं। तो ये जो कुछ भी बात मैंने आपको बताई, इस चीज को आप किसी भी तरीके से लिख लीजिएगा। आप यहां ओ ए बी ऐसे कुछ लिख लोगे, और जो कुछ भी अभी आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो अगर इस चीज को भी लिख देते हो तो फिर ये काफी मजेदार बात हो जाएगी, और सवाल ही नहीं है एक क्या आधा क्या पॉइंट में भी आपके नंबर कटे, बिल्कुल 100% नंबर मिलना तय है। तो चलिए, इतना काम सबसे पहले आप कर लीजिएगा। तो ये तो कंसेप्ट की बात रही, अब बात करेंगे, एक कंसेप्ट और देना चाहूंगा, उसके बाद मेन डेरिवेशन की बात करेंगे। बच्चों, कहीं भी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हेल्प से अगर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हो तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का जो तरीका होता है, आपको उसके लिए एरिया फाइंड कर लेना है, एरिया अंडर द ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, इन बिटवीन जो एरिया, ये जो ग्राफ हो गया और ये जो टाइम एक्सिस हो गया, इसके साथ, इसके हेल्प से जो ये एरिया बन रहे हैं, कवर हो रहे हैं, उसकी एरिया अगर फाइंड कर लोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। बस ये वाली कंसेप्ट आपके पास होनी चाहिए, ऑलरेडी आपने पहले पढ़ लिया होगा लेकिन अभी आप इस चीज को लर्न कर लो, राइट? अब देखो, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने बताया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया। अब मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, बताओ तो। ओके, मैं ये बताना चाहूंगा कि इसकी एरिया आप फाइंड कर सकते हो ट्रैपीजियम के कंसेप्ट को यूज करके। ट्रैपीजियम तो आप जानते ही होंगे ना, ये कुछ होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं ट्रैपीजियम, जिसमें एक साइड जो है, एक पेयर जो है, ये पैरेलल होता है। बच्चों, ट्रैपीजियम ऐसे भी हो सकते हैं, ये मैंने 90-90 बना दिया और ये दोनों पैरेलल है, और इस चीज को ऑब्वियसली हम ऐसे भी बना सकते हैं। यहां ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल नहीं है, और यही चीज आप देख रहे हो यहां भी बन रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रैपीजियम के लिए फॉर्मूला होता है हाफ
sum of parallel sides into altitude. उसी चीज को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा. Half sum of parallel sides, यानी कि ये प्लस ये आपको लेना है, इसका मतलब u प्लस v लेना है, क्योंकि ये है इनिशियल u और ये पूरी लेंथ है v. u और v आपको लिखना है, और एल्टीट्यूड का मतलब हो जाएगा ये वाला लाइन, ये लेंथ यानी कि वो t है. बस इतना आपको लिख लेना है. इसको लिखते ही आप थर्ड इक्वेशन को एक बार ऑब्जर्व करो. आप देखोगे ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें t कहीं भी नहीं है, यानी कि इस t को आपको हटाना पड़ेगा. और वो कैसे कर पाओगे मैं आपको अभी बताता हूं. इसको v प्लस यू लिख ही सकते हैं. अब देखो इस t के बदले इसको रिप्लेस करना है ना, तो इसके लिए आप आ जाओ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ध्यान से देखो, तो t के बदले आप लिख सकते हो v माइनस यू डिवाइडेड बाय a. आप ध्यान से देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो v माइनस यू बाय a आप लिख सकते हो t के बदले. तो मैं उस चीज को लिख लेता हूं, v माइनस यू बाय a, ये मैंने लिखा t के बदले. और आप सोच भी नहीं सकते कि इतना लिखते ही आपका काम हो गया है. बच्चों ये 2 और a जो नीचे है उसे मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2as हो जाएगा. और बच गए हमारे पास ये दोनों, यानी कि ये है a प्लस b. a प्लस b मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं, a प्लस b, और ये है a माइनस b. तो a प्लस b और a माइनस b के बदले आप क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला आपको याद आ रहा है क्लास 8 में आपने पढ़ा है, इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इसका मतलब यहां आप लिख सकते हो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. अब इसके बाद ये तो कोई भी बच्चा बता देगा, अब चाहो तो इसे डेफिनेटली ऐसा लिख सकते हो, इस u स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, u स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो देखा इस चीज को इतनी आसानी से डेराइव की जा सकती है. तो ग्राफिकली इसे डेराइव करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप इसे डेराइव कर सकते हो. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, जो मैंने इसके फिगर के बारे में जो कुछ भी लिखने को कहा था उसे आप डेफिनेटली लिख लीजिएगा, और इसके बाद पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे. तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है इसकी डेरिवेशन आपको समझ में आ गई होगी. तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू.